हाय स्टूडेंट्स सो आप बिग क्वेश्चन हाउ टू स्कोर 25 प्लस इन लॉजिकल रीजनिंग अब यहाँ पे क्लैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग अगर हम देखने इवन विद द लास्ट टू सैंपल पेपर या लास्ट थ्री इस तो इट इज लार्जली ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग ट्वेंटी 2020 में पैटर्न चेंज हुआ तब आए थे कुछ ए आर क्वेश्चन उसके बाद से सी है तो यहाँ पे इट विल बी

यहां पे कुछ सब्सिडरी कंक्लूजन हो सकता है इंटरमीडिएट कंक्लूजन हो सकता है बट ओवरऑल वो क्या बोल रहा है Typically we use the identifiers. यहां पे जनरली आपको identifiers नहीं मिलेंगे, तो you can put it there. वो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है एंड देन इट इज ये अच्छा पॉइंट हुआ है मतलब देयर फोर इट इज गुड या देयर फोर इट इज बैड तो वो जो देअर हैंस एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली ऐसा कुछ लगा के जहां से आपका बन पाए तो दैट विल बी योर कंक्लूजन तो यहां से फिर आपके पास आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ द दर्ग्यूमेंट वीक एन द आर्ग्यूमेंट ये सारे क्वेश्चन में बहुत आसानी मिल जाती है देन जो भी आपके वीक एरियाज हैं वीक क्वेश्चन स्टेम्स हैं वो यहां पे आपको देखना रहेगा उसके ऊपर यू हैव टू वर्क मोर फॉर so एग्जाम्पल अब आपने आइडेंटिफाई किया वीक इन दर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट या इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उस पर आपको एडिटोरियल्स अगर आप देख लोगे तो मोस्ट ऑफ दीज पैसेजेस जो क्लैट ने यूज किया इवन इन दैम्पल पेपर्स लार्जली दे आर फ्रॉम द एडिटोरियल्स तो यू ऑल्सो शुड बी रीडिंग द एडिटोरियल्स यहाँ पे और यहाँ पे हैव टू समराइज इट में आपको बताना हो तो आप क्या बोलोगे तो वेन यू है एडिटोरियल किस तरफ लेके जा रहा है एडिटोरियल वॉट इज कैन बी द कंक्लूजन ऑफ दिस एडिटोरियल बड़ा वाला एडिटोरियल है अगर आपके पास तो उसको तो आपको पार्ट में भी उसका रिकेप करना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने ये बोला सेकेंड पैराग्राफ उसने ये बोला यही चीज आपको पैसेजेस में भी करनी चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने लेटेस्ट कि एक प्रॉब्लम डिस्कस करी है सेकंड पैराग्राफ में उसने उसका सोल्यूशन डिस्कस किया है थर्ड <coughs> में उसने हमें बताया कि वाई दट सोल्यूशन एडिटोरियल यू शुड बी रीडिंग रेगुलरली इवन नाउ देन स्केड्यूल तो आपने बनाया होगा बट देन स्केड्यूल शुड नॉट बी वेरी जनरल कि हाँ मुझे सीआर पढ़ना है इट शुड बी टास्क ओरिएंटेड कि मुझे इतने क्वेश्चन सीआर के करना है सो फॉर इंस्टेंस अगर अभी आपका सी आर वैसे ठीक ठाक जा रहा है लेटर से 20 20 प्लस आपके मार्क्स आ जाते हैं तो इफ यू आर सॉल्विंग सीआर पैसेजेस वंस इन डेज चलेगा बट अगर आपके पास लेटर से 10 आ रहे हैं 15 आ रहे हैं या फाइव सिक्स आ रहे हैं तो फिर तो यू शुड सॉल्व इट डेली तो वन असाइनमेंट डेली ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे पास स्केड्यूल ना कि समथिंग वेरी जनरल आज सॉल्व करना है एक क्वेश्चन आ जाता है क्या जी मैट सॉल्व करें जी मैट के क्वेश्चन अब जी मैट के क्वेश्चन यहां पर टू एस्पेक्ट आते हैं जी मैट के क्वेश्चन बिकॉज दे आर मेनली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो दे आर अ वेरी गुड सोर्स अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रेंथन करना जो अभी हम देख रहे थे कि अपना आइडेंटिफाई कर लिया स्ट्रेंथन या वीकन या कंक्लूजन में आप गड़बड़ कर रहे हो तो वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसका एक अच्छा सोर्स है जी मैट जी मैट ऑफिशियल गाइड जो के इज बाय जी मैक वो पर आप देख सकते हो या इवन जी मैट क्लब अगर आप सर्च करो नेट पे वहां पर वो आप चले, चले जाओ जी मैट क्लब और उसमें आप सर्च ऑप्शन में जाके स्ट्रेंथ एंड वीक पैराडॉक्स जो भी आपके वीक पॉइंट है उसको सर्च करिए वाले टाइप के क्वेश्चन चार पांच छ कुछ कर लेना तो वो क्लियर हो जाएगा आपके पास उसके लिए बहुत अच्छा है बट रिमेंबर के जो क्लैट मैसेजेस देता है दे आर इंडियन इंडियन कंटेक्स में आते हैं जो जी मैट में नहीं मिलेंगे तो इसलिए ऐसा का, बोलना कि ओनली जी विल बी सफिशियंट नहीं इट कैन बी एन एड ऑन अलग से आप कर सकते हो स्पेशली टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट फिर क्या हम स्कोर्स पे ज्यादा ध्यान दें या रैंक पे ज्यादा ध्यान दें यहां पे यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर रैंक्स ऐसा हो सकता है कि एक मॉक के अंदर आपका स्कोर आया है 18 दूसरे वाले में आपका आ गया है 23 लेकिन फिर भी वो जो 23 वाला है उसके अंदर आपकी रैंक बहुत बुरी तरह गिर चुकी है मतलब कि आपको तो पिस्टा के कंपैरिजन में आसान लगा था पर दूसरों को और ज्यादा आसान लगा ना तो यहाँ पे रैंक पे ज्यादा ध्यान दो तो इसीलिए इट मे बी पॉसिबल कि पिछली बार ट्वेंटी थ्री आ, आ गए लेकिन रैंक इंप्रूव हुई है मतलब ओवरऑल अदर स्टूडेंट्स हैव आल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट तो इसलिए आपको यहाँ पे इतनी घबराने की बात नहीं है बल्कि आपने अच्छा किया है डिफिकल्ट मॉक था उसके बाद भी आपने दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो फोकस अ लॉट ऑन योर स्कोर रैंक एज वेल मॉक्स जितने भी आ रहे हो वो सॉल्व करते जाए उसको छोड़ना नहीं है प्लस यहां पे एज अ सेक्शनल टेस्ट पुराने वाले मॉक्स जो आपके छूट गए से आपने मॉक मॉक 16 अटेम्प्ट नहीं किया 13 आपका छूट गया था उसको एज अ सेक्शनल टेस्ट मतलब ये कि सिर्फ उसका लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन वो आप यहां पे सॉल्व कर लो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस

अब आपको एनालिसिस में अगर 40 मिनट्स लग रहे हैं 50 मिनट्स लग रहे हैं गो फॉर इट हो जाएगा आपका डू नॉट वरी वो लेकिन आपको करना है उसमें ये नहीं करना है कि बस सॉल्विंग कर ली ठीक है इतने मार्क्स आ गए अब आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट या नेक्स्ट पैसेज उठा लेते हैं या नेक्स्ट असाइनमेंट ले लेते हैं वो नहीं करना है और एनालिसिस में यू हैव टू एनालाइज व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग क्या आपने बहुत ब्रॉड चॉइस ले ली थी या आपने यहां पे कॉन्ट्रडिक्टरी ऑप्शन चूज कर लिया था एंड देन यू हैव टू अप्लाई मान लो आपको क्वेश्चन नहीं पता था ऑफ द फॉलोइंग कास्ट का डाउट क्या होता है तो ठीक है इस बार छुट गया था अब आपने देख लिया कास्ट का डाउट मतलब इट इज वीक नहीं तो नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम yeah, आई है तो आपको वो फोकस करना है इसीलिए मिस्टेक्स की वजह से कर सकते हैं एक ही मेथड एंड कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि इसके बजाय आप कुछ और कर लो और यहां पे आपको पैसिक सिलेक्शन पे भी ध्यान देना है वेन यू आर एनालाइजिंग पैसिक सिलेक्शन मतलब ये यह आपने यहां पर ईजी करा हो पहले और डिफिकल्ट हो बाद में या अगर आप लेटर से फाइव पैसेजेस अटेम्प्ट किए एक पैसेज छोड़ दिया तो दैट पैसेज शुड बी डिफिकल्ट वन जो जनरली अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है फॉर इंस्टेंस आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है या शायद साइंस आपका वीकेस्ट हो या इकोनॉमिक्स सबसे अच्छा आपको स्ट्रांग हो आप तो दैट इज योर स्ट्रांग एरिया या इकोनॉमिक्स इज द वीकेस्ट एरिया तो फिर इकोनॉमिक्स लास्ट में आपको करना है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहां पे डिफिकल्ट पैसेज तो कर लिया और पता चल रहा है इजी पैसेज छोड़ दिया तो वो भी आपको यहां पे ध्यान रखना रहेगा रिमेंबर आपको परफेक्ट ऑप्शन के यहां से ज्यादा आपको ध्यान देना है बेस्ट ऑप्शन में अ लॉट ऑफ टाइम इट क्रिटिकल रीजनिंग कि वी डू नॉट हैव एनी परफेक्ट ऑप्शन ए हो सकता है और बी सी डी तो डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं तो फिर ए इज द बेस्ट चॉइस दैट यू हैव उसके अंदर हम चेंज करके कुछ ऐसा भी बना सकते हैं उसको आगे चल के कि उसी क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज कर दिया तो अब एक ही जगह बी हो गया ना क्यों क्योंकि हमें तो बेस्ट चॉइस लेना है देन परफेक्ट परफेक्ट एक आइसोलेशन में कि अकेला ये दिया होगा तब भी यही है आपका आंसर दैट इज परफेक्ट बेस्ट हो जाता है आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव विच वन यू शुड गो फॉर तो लुक फॉर द बेस्ट चॉइस और यहां पे इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसके लिए कि यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर सिर्फ वही चूज करो जिसमें आपको हाई पॉसिबिलिटी लग रही है आपको लग रहा है कि हाँ ए मोस्ट प्रोबेबली इज द आंसर बट देन यू आर नॉट फुल्ली श्योर तो भी यू कैन गो फॉर इट क्योंकि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे कि आप कहोगे कि हाँ ये तो पक्का यही आंसर होना है अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल हैव टू गो विद हाई पॉसिबिलिटी इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी के अंदर भी वी डू नॉट से कि आपको 100% एक्यूरेसी होना चाहिए 80% एक्यूरेसी विल बी सेटिस्फेक्ट्री

व दैट एक्सर्शन तो इसलिए यहां पर यू हैव टू डेवलप दैट स्टेमिना यहां पर जो भी आपका सेक्शन uh, हो जहां पर भी आप कर लो दैट यू शुड बी एबल टू परफॉर्म वेल तो उसके लिए यहां पर टू आवर्स यू शुड बी वर्किंग कंटिन्यूसली यू शुड बी सोल्विंग सो फॉर इंस्टेंस क्यूटी इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग आप दो घंटे लगातार कर रहे हो तो उसमें आप इस चीज को ओवरकम कर लोगे कि यहां पर मॉक्स के अंदर आपके नहीं आ रहे हैं और वैसे आप कर लेते हो प्लस होम और इंस्टीट्यूट में भी वो जो प्रेशर रहता है कि जब you are looking at others, कि जब यू आर लुकिंग एट अदर्स ये भी यहाँ पे कर रहे हैं एंड आई एम आल्सो राइटिंग इट डाउन तो वो जो प्रेशर है उसकी भी ज्यादा अच्छी आदत आपको इंस्टीट्यूट में आके होगी तो जहां तक पॉसिबल और नहीं है पॉसिबल तो, तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते बट इफ इट इज पॉसिबल दैन डू प्रैक्टिस एट द इंस्टीट्यूट यहां पे ये भी आप रखो मॉक्स के अंदर कि प्रीवियस मॉक्स जैसे मैंने बताया सेक्शनल टेस्ट की तरह जो मिस हो गए वो आप ले सकते हो सीक्वेंस कहां पे रखना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग को अब वैसे तो यू शुड बी डूइंग सम ट्रायल्स और उसमें देख लो आपको कहां रखना है बट इफ इट इज द वीकेस्ट एरिया क्रिटिकल रीजनिंग में ही बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर कम से कम लास्ट में मत रखना है एटलीस्ट अभी के लिए जब तक के यू आर नॉट इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली उसको शुरुआत में कहीं रखना एंड नॉट एट द एंड फिर एक बार आपका स्टेमिना डेवलप हो जाए तब यू कैन फाइनली जो दूसरे लोग हैं जो कि 25 प्लस लेकर आ रहे हैं तो वो भी कोई ऐसे अनोखे लोग नहीं है कोई बाहर से लोग नहीं आए हुए हैं ऐसा नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी कि ये वो लोग हैं जो कि ट्वेल्थ में हमेशा ही या टेंथ में ट्वेल्थ में थ्रू आउट स्कूल इनके हमेशा ही 95 प्लस मार्क्स रहे हो ना बहुत आ, रीडिंग करने वाले रहे थे हमेशा से ही ये भी आप जैसे लोग ही हैं तो आप भी नहीं कितना स्कोर कर सकते हो ऐसा कुछ मत सोचो कि नहीं आपके लिए प्लस नॉट पॉसिबल, वो तो कुछ और लोग ही होते हैं जो क्रिटिकल रीजनिंग में ट्वेंटी फाइव प्लस लेकर आ जाते हैं चलिए तो आई होप दीस थिंग्स विल हेल्प यू इन इंक्रीज योर मार्क्स डू लेट मी नो वॉट एल्स यू वुड लाइक टू हैव the any topic that you have in mind that you would like to be covered so please write it in the comment box and if you like this video please give us a like and subscribe please share thank you